हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों, ये वीडियो प्रश्नवाली 5.2 का वीडियो पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम प्रश्नवाली 5.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रश्नवाली 5.2 का सॉल्यूशन 8 पार्टों में सॉल्व करूंगा। सभी पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, प्रश्नवाली 5.2 का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, अर्थात पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और यनवा पद एन है। तो हमारा जो श्रेणी है वो एपी में, अर्थात समांतर श्रेणी है, उसमें हमको एक रिक्त स्थान दिया है, उसमें भरना है। ए बराबर प्रथम पद होगा, डी सर्वांतर होगा, एन बराबर यनवा पद होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, बनी है ए डी एन ए एन, अर्थात ए हमारा कौन क्या होता है, प्रथम पद, डी होता है सर्वांतर मतलब सभी बीच जो पदों का अंतर, और एन होता है हमारा वह पद, यनवा पद मतलब जो हमारे पद होंगे एन। तो दोस्तों सबसे पहले पहला देखते हैं, ए बराबर हमारा पहला पद दिया है 7, डी सर्वांतर दिया है 3 और एन एन दिया है 8। तो दोस्तों हमको ए एन ज्ञात करना है, तो हमको पता है कि एक सूत्र होता है हमारा, ए एन बराबर सूत्र होता है। तो दोस्तों हमारा सूत्र होता है ए एन बराबर, यही सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, यही हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हम पूरे जितने अभ्यास हमारे हैं, मतलब अभ्यास 5.2 इसी सूत्र पे हल होगा। देखिए कैसे ए एन का मान निकालते हैं, लिखेंगे ए एन बराबर हमको नहीं पता है, तो ए ए बराबर कितना दिया है, अर्थात ए क्या होता है प्रथम पद, तो पहले में दिया 7 प्लस एन, एन मतलब क्या होता है 3, अर्थात एन कितना है 8 माइनस 1, और डी क्या होता है सर्वांतर मतलब अंतर कितने का है 3। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से गए 7 गुणे 3, तो 7 प्लस 7 21, तो ए एन बराबर कितना होगा, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। तो दोस्तों ए एन का मान देखिए, ए एन का मान हमारा पहले क्वेश्चन में भरेंगे 28, तो यहाँ हम भर देंगे 28। अब फिर दोस्तों देखते हैं, दोस्तों पहले का दूसरा पार्ट दिया है, ए हमारा दिया है माइनस का 18, डी हमको ज्ञात करना है, एन अर्थात एनवा पद दिया है 10 और ए एन बराबर दिया है 0। तो दोस्तों देखिए हमारा सूत्र क्या ज्ञात करना है हमको, इसमें ज्ञात करना है डी अर्थात सर्वांतर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ए एन बराबर दिया है 0, 0 बराबर ए, तो प्रथम पद दिया है माइनस का 18 प्लस एन, एन दिया है दोस्तों देखिए एन माइनस 1, तो एन हमारा जो दिया है एन कितना दिया है 10, तो लिखेंगे 10 माइनस 1 और डी हमको नहीं पता है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ 0 है, अब 18 हमारा माइनस का इधर करेंगे प्लस का 18 हो जाएगा 0, अब 9 10 में से 1 गए कितना आएगा 9, उसके बाद डी 18, अब डी को ऐसे रोक देंगे 9 हमारा गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, तो डी का मान हमारा आ गया 2, अर्थात जो सर्वांतर आया है डी बराबर कितना आया 2। तो दोस्तों दूसरे में डी बराबर क्या भरेंगे, डी बराबर दूसरे में भरेंगे 2। तीसरा दिया है देखिए, इसमें ए हमारा प्रथम पद नहीं पता है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है, तो सूत्र तो वही लगाएंगे हम, इसी सूत्र से हम अब देखिए हमको प्रथम पद ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है ए एन, तो ए एन बराबर देखिए इसमें दिया है कितना माइनस का 5, माइनस का 5 बराबर ए, तो ए नहीं पता है अर्थात प्रथम पद, प्लस एन माइनस 1, तो एन देखिए इसमें कितना दिया है, एन दिया है 18 माइनस का 1 और डी बराबर डी दिया है माइनस का 3, माइनस का 3, तो माइनस का 5 ए प्लस, अब 18 में से गए कितना आएगा 17 गुणे माइनस का 3, तो माइनस का 5 ए प्लस 17 कितना होगा 51, तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा माइनस का
सत्तातिया 51। अब दोस्तों देखिए, माइनस का 51 है, इधर पच्चानता करेंगे प्लस का 51 हो जाएगा, प्लस का 51 बराबर ए, तो ए को ऐसे रोक देंगे। तो 51 में देखिए माइनस का है प्लस का है, क्या होगा घटेगा, तो 51 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, तो दोस्तों 51 में से 5 घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 46, प्लस का 46 ए, ए बराबर कितना आ गया 46। ए हमारा क्या होता है प्रथम पद, तो हमको ए का मान याद करना, देखिए यहाँ रिक्त स्थान में भरना है तो ए बराबर क्या भरेंगे 46, तीसरे में भर देंगे हम 46। अब दो देखिए कौन सा रिक्त स्थान में भरना है हमको, चौथा दिया है ए दिया प्रथम पद 18.9 और डी दिया सर्वांतर 2.5, और उसके बाद एन हमको पता करना है, और एन दिया है 3.6, तो लिखेंगे एन, एन स्थान पर, एन के स्थान पर लिखा है 3.6, 3.6 बराबर ए, ए बराबर पहला पद दिया था प्रथम पद माइनस का 18.9 प्लस का एन माइनस वन, तो दोस्तों देखिए एन तो हमको, एन हमको ज्ञात करना है तो लिखेंगे एन माइनस वन। अब डी, डी कितना दिया है, डी हमारा दिया है 2.5, 2.5, तो देखिए 3.6 बराबर माइनस का 18.9 प्लस का, इसका गुणा इसमें करेंगे एन में तो हो जाएगा 2.5, एन माइनस 2.1 में गुणा करेंगे 2.5 हो जाएगा। अब 3.6, अब माइनस का 18.9 है तो रह जाएगा प्लस का 18.9 हो जाएगा, बराबर का 2.5 एन माइनस 2.5। अब यहाँ 18 में, 18.9 में हम 3.6 जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए 18.9 में 3.6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 10 8 3 11, 1 12 और 1 2, कितना हो जाएगा 22.5, 22.5 बराबर 2.5 एन। अब माइनस का माइनस का 2.5 है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 22.5 प्लस का 2.5 बराबर 2.5 एन। देखिए इसको जोड़ेंगे 22.5 में, 22.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2 2, कितना हो जाएगा 22 25.0, अर्थात बराबर कितना हो जाएगा 2.5 एन। अब दोस्तों देखिए यहाँ एन को इधर रोक देंगे तो 2 25.0 है, तो ये 2.5 हमारा भाग में है तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा 2.5। दोस्तों दशमलव से दशमलव हम काट देंगे तो 250 25 हो गया, तो 25 दहम्मा 250, तो अर्थात यन बराबर कितना आ गया हमारा 10, तो 10, तो यहाँ क्या भरेंगे हम, यहाँ भरा जाएगा हमारा यन बराबर कितना आ जाए चौथे में 10। पांचों में हमको क्या ज्ञात करना, 3.5 ए प्रथम पद दिया है, डी सर्वांतर दिया है 0 का, और 105 दिया है, क्या दिया 105 एन, तो हमको क्या ज्ञात करना एन, एन ज्ञात करना, एन में भरना अर्थात रिक्त स्थान, तो सूत्र क्या होता एन, तो एन बराबर हमको नहीं पता है, लिखेंगे एन बराबर ए, ए बराबर देखिए ए बराबर दिया है पचवें में 3.5, 3.5 प्लस एन, एन देखिए कितना दिया है 105, 105 माइनस वन, डी कितना दिया है, डी दिया है 0, दिया है 0, तो एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 104 आएगा, 105 में से एक घटाएंगे तो आएगा 104, तो 104 को 0 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0, तो एन का मान कितना आ गया 3.5, तो एन बराबर पाँचों में भरा गया कि 3.5। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा दिया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दूसरे का हमारा पहला दिया है एपी, दूसरे का पहला दिया है एपी, ए श्रेणी, एपी मतलब समांतर श्रेणी 10 7 4, उसके बाद का 30वां पद, तो इसमें हमको सही का निशान लगाना है अर्थात इसका औचित्य दीजिए।
तो कैसे पता करेंगे इसका सही? तो 30वां पद कौन सा है? तो डार्ट तो हम नहीं पता कर सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखिए निकालेंगे ए, दिया है 10 7 4, तो ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद दिया है 10। अब सर्वांतर निकालते हैं डी बराबर, क्योंकि हमारा श्रेणी जो है एपी में है, तो इसका मतलब कि इसके बगल में से हम कोई भी एक टी, चाहे इसमें से इसको घटा दे चाहे इसको इसमें से घटा दे। चलिए हम T2 से T1 घटाते हैं, तो देखिए कितना आएगा। T2 दिया है 7, 7 दिया है माइनस का T1 दिया है 10, तो कितना आएगा माइनस। तो दोस्तों 7 में से 10 जाएगा, कितना आएगा माइनस का, माइनस का 3। तो D का मान आ गया माइनस का 3। तो हमको 30वां पद ज्ञात करना है। सूत्र होता है An बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो An अर्थात n-वां पद कितना दिया, 30। लिखेंगे A30 बराबर ए, ए हमारा कौन सा क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद दिया है 10 प्लस n बराबर 30 माइनस का 1, और d बराबर कितना आया, माइनस का 3। तो कितना आएगा, 10 प्लस 30 में से गए 29 गुणे माइनस का 3, तो कितना आएगा 10। अब 29 को 3 में गुणा कराएंगे तो 3 9 27, और 3 2 6 2 8, तो ए माइनस का है, माइनस का है, प्लस का है, तो हो जाएगा माइनस का 87। अब दोस्तों देखिए माइनस का 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 77। तो देखिए इसका मान कितना आएगा, तो AP का हमारा 30वां पद होगा माइनस का 77। देखिए सी वाला हमारा विकल्प जो होगा वो सही होगा, माइनस का 77। अब दोस्तों दूसरे का हमारा दूसरा AP दिया है माइनस का 3 कॉमा माइनस का 1/2 2 का 11वां पद। तो ए हमारा ऑप्शन दिया है A28, B दिया है 22, C दिया है 28, और D दिया है माइनस का 1/2। हमको क्या ज्ञात करना है, 11वां पद। लिखेंगे श्रेणी माइनस का 3 माइनस का 1/2, और उसके बाद लिखते हैं 2। तो ए बराबर हमारा प्रथम पद दिया है माइनस का 3, और डी बराबर निकालते हैं चाहे इसमें से इसको घटा लें या इसको इसमें से इसको घटा लें, क्योंकि हमको समांतर श्रेणी AP में पहले से दिया है। चलिए 1 2 3, T3 में से T2 घटाएंगे तो देखिए डी बराबर T3 दिया है 2 माइनस का, अब ये माइनस का 1/2 है तो 2 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 1/2, तो 2 दूनी 4/2 कितना हो जाएगा, 5/2। तो अर्थात हमारा डी का मान आ गया 5/2, डी बराबर कितना आ गया, 5/2। तो हमको क्या ज्ञात करना है, An अर्थात n-वां पद मतलब 11वां पद क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लगाते हैं An बराबर ए प्लस एन माइनस वन बटे गुणे डी। तो ए बराबर प्रथम पद दिया माइनस का 3 प्लस एन, हमको 11वां पद ज्ञात करना है 11 माइनस 1, और डी बराबर कितना है 5/2। तो माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 गए जाएगा कितना बचेगा, 10 गुणे 5/2। तो माइनस का 3 प्लस 50, या इसको काट सकते हैं 2 5 2 5 10, तो कितना होगा 5 25। तो 25 में से अभी प्लस का है माइनस का है तो घटेगा, 25 में से हम 3 घटाएंगे देखिए कितना आएगा, कितना आएगा 22, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो बी वाला हमारा ऑप्शन सत्य होगा। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो हमको समांतर श्रेणी में बनाना है, तो तीसरे का पहला दिया है 2, फिर इसमें भरना रिक्त स्थान दिया, उसके बाद 26। तो इसको किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, सबसे पहले 1 2 3, 3 पद दिया तो लिखते हैं A3 बराबर, तीसरा पद दिया है 26। A3 का मतलब क्या होता है, लिखते हैं हम, जैसे हमको A3 ज्ञात करना है तो हम लिखते हैं A प्लस, इससे एक कम कर देते हैं 2D, क्या कहते हैं A, क्योंकि हमको इसमें समांतर ज्ञात करना है तभी तो आएगा हमारा, तो A प्लस 2D। अब A प्लस A3 A प्लस 2D कैसे हो गया, तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि ए जब इसका मान दिया तो एक इससे एक कम कैसे होता है, उसमें हमने
बताया है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बराबर 26, बस आप लोग ऐसे समझ लीजिए, ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ ए फाइव दिया होगा तो इसका मान लिख देंगे हम ए प्लस फाइव है, इससे कम लिख देंगे 4d। अगर ए सिक्स है तो इसमें लिखेंगे ए प्लस 5d, बस केवल इतना लिखते हैं, ज़्यादा डिटेल में आप लोग आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो ए बराबर हमारा पहला पद दिया है 2 प्लस 2 गुणे डी, तो हमको पता करना है बराबर 26, तो 2d बराबर 2 26, 2 हमारा भाग, 2 हमारा किसका है, प्लस का है जो हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, डी बराबर 26 में से 2 गए 24। अब 2 2 हमारा किसका है, 2 है गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, तो डी का मान आगे जाएगा हमारा 12, अर्थात सर्वांतर जो अंतर होगा वो 12 का होगा। तो देखिए अब ये 2 2 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 2 14, तो इसका मान आएगा 14। अब 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो ये हमारे संगति बन गए। देखिए 14 में अगर 12 जोड़ देंगे, 4 2 6 1 1 2, देखिए 26 हो गए। तो इसका मतलब कि 2 14 और 26 ये हमारे क्या है, सारणी बन गए, 2 14 26 समांतर श्रेणी हो गए। अब दूसरे में देखते हैं, अब ये तो हमारा प्रथम पद इसमें नहीं दिया, तो सबसे पहले इसको दे ऐसे लिख देते हैं, मतलब केवल हम इसको देखते हैं, इसको ऐसे देखिए इसको ढक लेते हैं, इधर देखते हैं हम, तो क्या देखेंगे प्रथम पद बन जाएगा, तो लिखेंगे ए थ्री बराबर कितना दिया है 3, तो ए थ्री का क्या लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 3, तो ए बराबर इसमें देखते हैं प्रथम पद दिया है 13 प्लस 2 गुणे डी का मान नहीं पता है, और उसके बाद 3 लिखेंगे, तो 2d बराबर 3, अब प्लस का 13 इधर जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा, तो डी बराबर 13 में से 3 जाएगा कितना आएगा माइनस का 10, तो डी तो हमारा गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2 5 10, तो डी बराबर कितना आ गया हमारा माइनस का 5, डी बराबर माइनस का 5। अब देखिए इसमें कितना आएगा, तो माइनस का 5, इसका मतलब कि इसमें और इसमें देखेंगे तो इसमें कितने का अंतर है माइनस का 5, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 8, इसका मतलब यहाँ कितना भरना पड़ेगा 8। अब देखिए इसमें भरने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इधर देखते हैं कितने कितने का अंतर है, 3 5 3 8, 8 5 13, और 13 में 5 देखिए कितना करेंगे, 13 5 18, कितना आ जाएगा 18 भरा जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं 3 इसमें 5 का अंतर, 5 5 का अंतर है 3, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 5 18, तो दोस्तों ये हमारे इसमें भरा जाएगा 18, इसमें भरा जाएगा 8। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5 खाना खाना खाना, अर्थात पहला पद दूसरा पद तीसरा पद और चौथा पद, क्या लिखते हैं ए फोर बराबर कितना दिया है 9 सही 1/2, तो इसको लिख सकते हैं ए फोर बराबर, ए फोर बराबर हमने क्या बताया था, लिखेंगे ए प्लस 4 से कम कितना होगा 3d बराबर 9 दूनी 18 को 19/2, तो 3d। अब ए हमारा प्रथम पद कौन सा है 5 बराबर 19/2, तो 3d, अब प्लस का 5 है उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, तीसरा गुणा करेंगे 3d बराबर 19 एक कम 19, 5 दूनी 10/2, कितना आएगा 3d बराबर 19 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 2, सॉरी 9 आएगा 2, d बराबर 9/2, डी 3 हमारा किसका है गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 3 2 3 6, इसको काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, डी बराबर 3/2, इसको लिखना हमको कैसे है, तो दोस्तों डी का मान आ गया 3/2, तो अब अंतर हमारा कितने का आ गया 3/2, तो 5 में ए प्लस का है तो हमको जोड़ना है, तो 5 में 3/2 जोड़ेंगे देखिए कितना आएगा 2 5 10 प्लस 3 1 3/2, कितना हो जाएगा 13/2, तो इसको कैसे लिखेंगे हमको सही के रूप में लिखेंगे, तो 2
दो छंग 12, तो एक 6 सही 1/2, क्या लिखेंगे? 6 सही 1/2। अब इसका अगला पद लिखते हैं, तो 6 सही 1/2 में जोड़ेंगे, या हम डॉट लिखेंगे, 13/2 में जोड़ेंगे, 13/2 में 1/2, सॉरी कितना है, 3/2, 3/2 जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा। तो हर हर हमारा क्या है, बराबर है, तो 13 3 16/2, तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, कितना हो जाएगा 8, तो इसमें कितना भरा जाएगा 8। तो दोस्तों यही हो गए हमारे आंसर, इस तरह से हम रिक्त स्थान भर सकते हैं। दोस्तों प्रश्नवाली 5.2 का अगला क्वेश्चन वीडियो पार्ट 2 में सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 गणित का सोल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।